हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 2A पूर्ण संख्याएं। बच्चों, पूर्ण संख्याएं कब बन जाती हैं, कैसे होती हैं, इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है और इनके साथ काम कैसे किया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों देखो, जैसे कि मेरे पास 10 टॉफियां हैं और मैंने धीरे धीरे करके अपने दोस्तों में 10 टॉफियां बांट दी, तो अब मेरे से किसी ने पूछा कि आपके पास कितनी टॉफियां हैं, तो मैं कहूंगी मेरे पास अब कोई टॉफी शेष नहीं है। तब उस शेष जब कुछ भी नहीं है तो उसको हम शून्य से प्रदर्शित करते हैं। जब हम शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्याएं होती हैं, अतः कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। जब संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है तब जीरो को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जब ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में हैं, ऐसी पूर्ण संख्याओं को क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। ठीक है बच्चों, और इसे हम काम करते हुए अच्छे से सीखेंगे। बच्चों, हम अभ्यास 2A के कुछ इन प्रश्नों को समझेंगे। बच्चों देखो, पहला प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो अभी हमने क्या समझा था, शून्य। शून्य ही हमारी ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। दूसरा है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। बच्चों देखो, हमने संख्या रेखा बना दी और 0 से लेकर मैंने 7 तक इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। इसी तरीके से करना होता है। अब बच्चों देखो, तीसरा प्रश्न है, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने क्या सीखा था, पहली और तीसरी का योगफल जो होता है तो बीच वाली संख्या, मध्य की जो संख्या होती है वह इन दोनों के योगफल की आधी होती है। तो ठीक है, तो 28 में हमने 2 से भाग लगा दिया तो आया 14। तो बीच की संख्या क्या मिल गई, 14। अथवा वे तीन क्रमागत पूर्ण संख्या क्या हो जाएंगी, 13, 14, 15। ये इसकी क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। अब चौथा देखो, यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तब क्योंकि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य में 39 है तो वे संख्याएं कैसे हम पता लगाएंगे, कि एक तो 39 की पूर्ववर्ती संख्या होगी और एक 39 की अनुवर्ती संख्या होगी। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, है ना। 39 में से एक घट गया, कितना बचा, 48। ये 39, अब इसमें एक जोड़ दिया तो कितना है, 40। तो वह क्रमागत तीन पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, 38, 39, 40 हैं। ठीक है बच्चों, जो पांचवा प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। जीरो को सम्मिलित अगर हम कर लें तो वह समूह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। अच्छा बच्चों, ये अभ्यास आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।